एसीपी साहब, सुना है कि रमन की बहन रिंकी मिसिंग है, सो मैंने सोचा कि मुझे जो कुछ भी इस केस के बारे में पता है मैं आपको बता दूं। तो मुझे क्या बताना चाहते हो अशोक? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तुम पर इतना सभी भरोसा नहीं है। अब अगर तुम्हारे पास सच में कुछ बताने को है तो बताओ, वरना मेरा टाइम वेस्ट। एसीपी साहब, मुझे लगता है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के साथ बात करने की मैनर्स नहीं। खैर, जो कुछ मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैंने रिंकी और रमन को एक साथ देखा था। दोनों भाई बहन बहुत ही गंभीर बहस में। आई थिंक अराउंड 5 PM इन द इवनिंग मैंने उन्हें प्रीतमपुरा रोड पर देखा था। रमन बहुत ही गुस्से में थे और उसने रिंकी को मारने की धमकी भी दी। अब नॉर्मली रमन के भाई बहन उसके नीचे ही रहते हैं, बहुत ही दबे हुए रहते हैं, लेकिन कल मामला बहुत ही गंभीर था। कहना क्या चाहते हो? देखिए, रमन को मैं बहुत सालों से जानता हूँ और इट्स अ वायलेंट मैन। उसे जब गुस्सा आता है तो वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो आई डोंट नो, आई जस्ट गॉट वरीड। बहुत होगी तुम्हारी ये बकवास। आई एम नॉट बाइंग एनी ऑफ दिस। मैं जा रहा हूँ। एसीपी साहब, एक बात तो सुनते जाइए, क्या रमन ने आपको बताया कि कल वो रिंकी से मिला था? नहीं ना। सो इसका मतलब है कि वो बात को छुपा गया। अब ऐसा कीजिए कि आप रमन के पास जाइए और उसी से पूछिए कि कल वो शाम को 5 बजे कहाँ था और किसके साथ था और क्या कर। तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि कल उसने रेड जैकेट और उसके नीचे ब्लैक शर्ट पहनी। नाउ आई थिंक यू शुड गो एंड आस्क। सब देखते हैं कि रमन क्या करते। I'm sure कि वो किसी भी हालत में ये नहीं बताएगा कि कल वो शगुन के साथ, और अगर बताएगा तो इशिता और उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। रमन, तूने रिंकी के दोस्तों को फोन किया? कहीं किसी दोस्त के घर तो नहीं चली गई वो? नहीं पापा, हर जगह पता किया, कहीं नहीं है। कहाँ गई होगी वो? रमन, एक काम कर, मीर को तो फोन कर दे, उसको इन्फॉर्म करना होगा ना। मैं तो एक गल नहीं समझ आ रही, अगर रिंकी गायब है तो वो इशिता को एसीपी थाने क्यों लेकर गया था? इशिता, उसने क्यों पूछा था तुझसे? दरअसल वो रिंकी के बारे में कुछ पूछना चाहता था। वो क्या मतलब है? उसका ये ख्याल है कि रिंकी के गायब होने में इशिता का हाथ है? पागल हो गया है वो क्या? मैं जरा कॉल करती हूँ उससे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आंटी जी, मैं भी यही हूँ। और हाँ, शायद मैं गलत था। और शायद नहीं, तू था ही गलत पुत्र। अच्छा चल छाड़, ऐ बता, रिंकी का कुछ पता चला कि नहीं? आंटी जी, इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन हाँ, हमें एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिली। अभिषेक, बताओ क्या पता चला है, प्लीज यार। हमें एक आई विटनेस मिला है जिसने गवाही दी है कि उसने तुम्हें और रिंकी को कल 5 बजे प्रीतमपुरा रोड पर देखा था। तुम दोनों झगड़ रहे थे और तुमने गुस्से में आकर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। तुम पागल हो गए? किससे किया बकवास तुमसे यार? रमन, ये तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम रिंकी के साथ नहीं थे तो तुम कल 5 और 6 बजे के बीच में कहाँ थे? अरे कल शाम को मैं 5 बजे मैं इस वक्त ये नहीं बता सकता कि मैं शगुन के साथ था। कैसे समझाऊंगा सबको? अनिशिता क्या सोचा? और ये बात मनोज तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए। आखिर मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है और वो शगुन से प्यार करता है। मनोज और इशिता को बहुत तकलीफ होगी ये जान के। जब सब हो जाएगा तब समझा दूंगा, हम शब्दों में समझ जाए। मैं मीटिंग में था। कौन सी मीटिंग, किसके साथ थे, नाम बताओ उनके। मुझे नहीं पता, मेरी बहुत सारी मीटिंग थी इतने यार, पर उससे इसका क्या लेना देना? रिंकी से मैं 2-4 दिन से मिला तक नहीं हूँ, बात तक नहीं हुई है। कोई तुम्हें आके कुछ भी कहकर तुम मान लोगे? काम ना करो। देखो, मैं इस परिवार को जानता हूँ, आप सबको, लेकिन फिलहाल रिंकी मिसिंग है और मेरी ड्यूटी है उसे ढूंढना। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कल ब्लैक शर्ट और लाल जैकेट पहनी थी? हाँ पहनी। एग्जैक्टली, तो ये मुझे कहाँ से पता चला? ये मुझे उसी आई फिटनेस ने बताया, क्योंकि उसने तुम्हें कल देखा था। अरे तो हो सकता है किसी और को देखा हो। पूरी दिल्ली में मैं अकेला हूँ खाली शर्ट और लाल पैंट वाला। मेरी बहन की बात कर रहे हैं कैसे? तुम पागल हो? मैं अपनी बहन को मारने की धमकी दूंगा? बड़े रॉन्ग विद यू यार। देखो रमन, ये मैटर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। वी हैव टू फाइंड रिंकी, और उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों रे?
की बकवास है। अभिषेक ये ऐसे कैसे तुम? पापा पापा रिलैक्स, कुछ नहीं हो। अब सच सच बता क्यों नहीं देते? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? लेकिन कोई तो बस तो इतना समझ लो कि ना मैं रिंकी से मिला, ना रिंकी और मेरा झगड़ा हुआ, रिंकी को देखा तक नहीं मैंने। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं चलो। सुनो, बताना क्या करना तुम? जी सर। ये पैकेट सिर्फ और सिर्फ इशिता को दे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर। शगुन की जान बचा रहा था ना रमन, अब उसकी बीवी वही डीवीडी को देखकर क्या हाल करेगी इस बेचारे का, देखना पड़ेगा। हाँ जी, कहिए। मिसेस इशिता बल्ला है? हाँ जी, यही रहती है, क्या काम है? उनके लिए कोरियर है मैम। ला मुझे दे दो कोरियर। जी नहीं मैम, ये प्राइवेट है, मैं उनको ही दे सकता हूँ, और मुझे उनके सिग्नेचर भी लेने हैं। ठीक है, आप रुकिए, मैं बुला के लाती हूँ। ओके। मम्मी जी, चौथी बार आप इसी चुन्नी को फोल्ड कर रहे हो, प्लीज भरोसा रखो सब ठीक होगा। कुछ ठीक नहीं होना इशिता, एक के बाद एक मेरे सारे बच्चों के सर पर मुसीबत का साया मंडला रहा है। पहले तुझ पे, फिर सिम्मी पे, फिर रिंकी पे, और अब रमन को पुलिस पकड़ के लेके गई, उसी की बहन के लापता होने के केस में क्या हो रहा है। थैंक गॉड मम्मी जी को रिंकी के अफेयर के बारे में नहीं पता चला, वरना वो तो पूरी तरह से टूट जाती। और मेहर वापस आएगा, जवाब देंगे की बोलूंगी, हमें ये तक नहीं पता था कि रिंकी लापता है। भाभी, हाँ, आपका कोरियर आया है, वो कह रहा है वो सिर्फ आपको ही देगा। मैं देखती हूँ। ठीक है। जी बताइए। जब के लिए कोरियर? ऐसा कैसा कुरियर है, किसका नाम पता कुछ भी नहीं? सीडी? पुरानी शक्ल से जो मेरी हुआ करती थी। तो तुम कल 5 और 6 बजे के बीच में कहाँ थे? अरे कल शाम को मैं 5 बजे मैं मीटिंग में था। हाँ, मैं मीटिंग में था। कौन सी मीटिंग, किसके साथ थे, नाम बताओ उनके। मुझे नहीं पता, मेरी बहुत सारी मीटिंग थी दिन यार, पर उससे इसका क्या लेना देना? तुमने कल ब्लैक शर्ट और रेड पैंट पहनी थी? हाँ पहनी थी। एग्जैक्टली, तो ये मुझे कहाँ से पता चला? इसलिए जब जब अभिषेक ने रमन से पूछा कि वो कहाँ थे, तो उन्होंने पूरी फैमिली को बताया नहीं, क्योंकि वो यहाँ थे। I don't believe it. पीछे कोई और ही कारण होगा, हम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम मुझे बताया क्यों नहीं उन्होंने? मुझसे क्यों छुपाया? This is impossible. मुझसे तो हर बात शेयर करते हैं, हर बात। मालूम है कभी गुस्सा नहीं करती,
अगर वो गलत नहीं थे तो उनसे क्यों छुपाया उन्होंने? जो मैं देख रही हूँ कैसे पता